हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रब शेयर करने जा रही हूँ जो कि टैन रिमूवल स्क्रब। बहुत ही अच्छा स्क्रब है, वेरी अफोर्डेबल है, इजीली अवेलेबल है, अच्छी ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। आई होप आपको पसंद आएगा। एंड स्क्रब एक ऐसी चीज़ होती है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं अपनी स्किन केयर में, ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ वीक, बिकॉज ये आपका डेड स्किन्स, आपका ब्लैक हेड्स, आपके एक्सफोलिएट करती है स्किन को, जितने भी प्योरिटीज़ होती है वो निकाल देती हैं। अच्छा स्क्रब है, ब्राइटनिंग है ये स्क्रब, एंड स्किन को एक रिवाइटल करती है। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी इसका प्राइस एंड इसकी ब्रांड। ये है बायोटिक का पपाया स्क्रब, पपाया टैन रिमूवर स्क्रब। पपाया आपको पता है काफ़ी अच्छा स्किन ब्राइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, बायोटिक को कोई इंट्रेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा स्क्रब है, 100 ग्राम स्क्रब है ये एक, यस, एंड बोटानिकल एक्सट्रैक्ट के साथ है। एंड प्राइस की बात करें तो वहाँ है 80 रुपीज़ का है, 100 ग्राम का है, बट ये आपको कुछ अच्छे डिस्काउंट में मिल जाता है। अगर आप देखें, मैंने लिया था मिंत्रा से, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गया था। अदरवाइज़ आप किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं, ईजिली है ये स्क्रब। ऑल स्किन टाइप्स के लिए कोई भी यूज़ कर सकता है इसको, एंड 100% आयुर्वेदिक है ये वाला स्क्रब। तो काफ़ी अच्छा स्क्रब है ये, अच्छी पैकेजिंग है, पपाया का है तो ऊपर ये येलो मस्टर्ड किस्म का है, नीचे ग्रीन, एंड इसकी पैकेजिंग भी कुछ चेंज हुई है। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो पपाया है, जो काफ़ी अच्छा होता है आपके टैन रिमूवल के लिए, काफ़ी अच्छा। और इसको ना आप यूज़ करेंगे तो इसके अंदर किसी भी तरीके कोई हार्श ऐसे ग्रैनुल्स नहीं है। देर आर स्क्रब्स जो हार्श होते हैं, स्क्रबिंग का मतलब होता है कि जब अच्छे से स्क्रबिंग करें, सर्कुलर मोशन में आप करें, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ आपको, एक मैं डेमो दे रही हूँ, तो इसके अंदर जो ग्रैनुल्स हैं ना वो हार्श नहीं लगे। कई बार अच्छी ब्रांड के भी जो स्क्रब होते हैं ना वो हार्श लगते हैं, उसके ग्रैनुल्स तो बहुत अच्छे हैं। बॉडी के साथ अपने पूरे उस एरिया में यहाँ तक कवर करके कीजिए, ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ वीक आप कर सकते हैं। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, उसके अलावा इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर केला फ्रूट पाल बनाना, इसके अंदर खजूर फ्रूट पाल्प है, खजूर का है, नीम बार्क है, नीम काफ़ी अच्छा होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, मेथी सीड हो गया आपका, एंड इसके अलावा आम बीज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पीनट ऑयल है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये। तो आप इसका पूरा वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। अच्छा स्क्रब है, स्मूथ करता है आपकी स्किन को, एंड स्क्रबिंग वैसे भी नेसेसरी होती है आपकी स्किन के लिए, टैन बहुत ज़्यादा हो जाता है चाहे आप सनस्क्रीन भी लगाएं। मैंने देखा है कि जब भी आप फेशियल कराने जाते होंगे, जब भी आप जाते हैं आपका टैन होता ही होगा, जब वंस इन अ मंथ आप कराएंगे टैनिंग हो जाती है, अच्छे सनस्क्रीन के बावजूद अपनी स्किन में आपका हो जाता है। स्क्रबिंग, आपका मसाज एंड आपका ये क्या कहते हैं जेल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मास्क एक अच्छा होना चाहिए आपके पास, स्क्रबिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड जेल, जैसे कई बार अच्छा एलोवेरा ले अपने स्किन में लगा लीजिए, उसके बाद 15 मिनट्स के बाद अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन में करने के बाद से वॉश कर लीजिए। स्क्रबिंग भी ऐसा है, मैंने काफ़ी सारे स्क्रब आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो बायोटिक का था, टैनिंग होती ही है, सन एक्सपोजर मिलता है ना भी मिले टैनिंग होती ही है। तो एक अच्छा स्क्रब लीजिए, ब्राइटनिंग के साथ है, क्लियर स्मूथ, आपके ब्लैक हेड्स, आपको एक्सफोलिएट करेगा स्किन को, एंड अच्छी तरीके से करता ही है, बहुत ज़्यादा हार्श इसके ग्रैनुल्स नहीं है, इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं, ब्रांड भी अच्छी है बायोटिक, एंड इजीली मिल भी जाती है। मैं कई बार देखती हूँ कई जगह पे ना डिलीवर नहीं होता, मैंने कई कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, मतलब होता होगा कहीं जगह पे, तो वहाँ पे मार्केट से भी किसी केमिस्ट की शॉप से भी आप ये ले सकते हैं, बट ये है कि ऑनलाइन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है अच्छा, जैसे 180 का है तो, बट मैंने जब लिया था तो आई गेस ये मुझे कुछ अच्छे डिस्काउंट मिला था, आई थिंक 40% ऑफ, एंड 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ होती है। येस, तो अच्छा स्क्रब है, आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आपके टैन को रिमूव करता है। ट्वाइस इन अ वीक मैं यूज़ करती हूँ स्क्रब को, बिकॉज टैनिंग हो ही जाती है। आई होप, आई विश पसंद आएगा आपको मेरा वीडियो। वीडियो पसंद का करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेरी वीडियोस देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई